नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व पांडे। आई हैव डिजाइन्ड फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल्स टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम द वीडियो एडिटिंग थ्रू टू वर्किंग विद साउंड इफेक्ट्स एंड टाइटल्स। आज की इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस वीडियो में हम FCPX के बेसिक्स को समझेंगे, हम FCPX के इंटरफेस के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम लाइब्रेरी, इवेंट और प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो बात करते हैं फाइनल कट प्रो एक्स के बेसिक्स की। फाइनल कट प्रो एक रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशन है जिसमें आप हाई क्वालिटी के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं और उन्हें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है। इस सॉफ्टवेयर में आप अनकंप्रेस्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो टू HDV, DVC Pro HD, अनकंप्रेस्ड हाई डेफिनेशन वीडियो और फाइल बेस्ड फॉर्मेट्स जैसे कि AVC इंट्रा, AVCHD एंड XDCAM HD को एडिट कर सकते हैं। यू कैन प्ले बैक एंड स्किम रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट मीडिया अप टू 1920x1080, 2K, 4K एंड इवन 5K रिजोल्यूशन। आप वीडियो को फुल स्क्रीन या सेकेंडरी डिस्प्ले में भी प्ले कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक टाइमलाइन की हेल्प से अपने क्लिप को असेंबल कर सकते हैं। You can fine tune edits with the inline precision editor. आप Final Cut Pro X के वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं, कैमरा शेक, एक्सेस हम और लाउडनेस जैसी कॉमन प्रॉब्लम को फिक्स भी कर सकते हैं। You can also create compound clips to group any combination of clips and nest clips within other clips. आप अपनी वीडियो, ऑडियो और फोटोज में स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं एंड यू कैन एडजस्ट देम यूजिंग की फ्रेम्स एंड ऑन स्क्रीन कंट्रोल। आप अपनी क्लिप की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फास्ट मोशन, स्लो मोशन इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली बैलेंस एंड मैच कलर और यूज द कलर करेक्शन टूल्स टू प्रिसाइजली कंट्रोल द लुक ऑफ एनी क्लिप इन योर प्रोजेक्ट। FCPX में आप अपनी वीडियोज को यूट्यूब और फेसबुक में भी डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। Or you can also send your project to iTunes for syncing with Apple devices such as iPhone, iPad and Apple TV. इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको Final Cut Pro X इंस्टॉल और डाउनलोड करना होगा। Final Cut Pro X को आप Apple Store से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपके पास एप्पल का सिस्टम होना जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज बेस्ड डेस्कटॉप में काम नहीं करता है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी फाइनल कट प्रो 10.4.5 वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है अभी मार्केट में वो 10.4.7 है। तो चलिए फाइनल कट प्रो एक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरफेस की। यह फाइनल कट प्रो एक्स का इंटरफेस है। इंटरफेस से मतलब कौन सी चीज कहां पर है। अगर हम फाइनल कट प्रो एक्स के इंटरफेस की बात करें तो यह काफी सिंपल सा है। इसके तीन मेन एरियाज हैं, ब्राउजर, जो भी मीडिया फाइल्स आप इंपोर्ट करेंगे वो यहां शो होगी, आपके प्रोजेक्ट और इवेंट्स भी यहीं पर शो होंगे। दूसरा आता है व्यूअर। द व्यूअर इज वेयर यू प्ले बैक योर वीडियो इंक्लूडिंग क्लिप्स एंड प्रोजेक्ट्स अप टू 1920x1080, 2K, 4K और आप 5K रिजोल्यूशन तक के वीडियो भी प्ले बैक कर सकते हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपकी मैग्नेटिक टाइमलाइन। ये वो एरिया है जहां पे आप अपनी मूवी को एडिट करते हैं। इन तीनों एरियाज के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में और जानेंगे। इन तीन मेन एरियाज के अलावा कुछ और पैनल्स भी हैं।
ये है इंस्पेक्टर पैनल। इस इंस्पेक्टर पैनल में आपने जो भी क्लिप सेलेक्ट की है उस क्लिप की ऑडियो वीडियो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा कलर करेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे इफेक्ट ब्राउज़र और ट्रांजिशन ब्राउज़र के ऑप्शन हैं जिन्हें आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आप सिंपली इन ऑप्शंस में जाके क्लिक करके इन्हें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर ये कुछ और ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। यहाँ से हम ऑडियोमीटर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जब भी आपको ऑडियो एडिट करनी होगी तो ये ऑडियोमीटर काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ टूल्स भी हैं जो एडिटिंग में काफ़ी काम आएंगे और सबसे टॉप में मेन्यू है। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस काफ़ी इजी है। अगर आप एडिटिंग में नए हैं तो आपको बिल्कुल भी इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं लाइब्रेरी, इवेंट और प्रोजेक्ट की। दोस्तों, अगर आपको फाइनल कट प्रो एक्स में सिस्टमैटिक तरीके से एडिटिंग करनी है तो आपको लाइब्रेरी, इवेंट और प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है। जब भी आप फाइनल कट प्रो एक्स पहली बार ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नाम की लाइब्रेरी पहले से ही क्रिएट हो जाती है। अनटाइटल्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारा इवेंट क्रिएट हो चुका है। आप देख रहे हैं एक डेट है 19/10/19, ये हमारा इवेंट है और इस इवेंट फोल्डर में हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अनटाइटल प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। लाइब्रेरी, इवेंट और प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे साइमल्टेनियसली दो प्रोजेक्ट्स में काम करना है, एक मेरा वेडिंग का वीडियो है और दूसरा मुझे अपने YouTube चैनल के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी अपने दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आप फाइल में जाके न्यू लाइब्रेरी करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक विंडो अपेयर हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसे सेव एज कर सकते हैं वेडिंग। और इसको हम लोग कहाँ सेव कर सकते हैं वो हम ब्राउज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ इस लाइब्रेरी को मैं, और हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हैं वेडिंग नाम की एक मेरी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। और दूसरा, मुझे अब अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो वीडियो क्रिएट करना है मैं उसके लिए एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करूँगा। तो सेम स्टेप मैं रिपीट करूँगा। मैं फाइल में जाके न्यू लाइब्रेरी में क्लिक करूँगा, सेव एज, मैं अपनी लाइब्रेरी को नाम दूंगा YouTube और मैं इसको सेव कर दूंगा। जो भी मेरा वेडिंग से रिलेटेड एडिटिंग होगी वो मेरी वेडिंग लाइब्रेरी के अंदर होगी और जो भी मेरे YouTube चैनल के कंटेंट से रिलेटेड एडिटिंग होगी वो सारे का सारा YouTube की लाइब्रेरी में होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इवेंट क्रिएट करना। सपोज मुझे अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने हैं तो मैं इवेंट का नाम वीडियो लेक्चर्स दूंगा। तो इवेंट क्रिएट करने के लिए या तो मैं फाइल में जाके न्यू इवेंट पे क्लिक करूंगा या मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करके न्यू इवेंट क्रिएट करूंगा या मैं शॉर्टकट कमांड ऑप्शन एन को यूज़ करके भी न्यू इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं एक विंडो अपेयर हुई है, इसमें मैं इवेंट का नाम दे सकता हूँ वीडियो लेक्चर। आप यहाँ पर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसको किस लाइब्रेरी में डालना है, यूट्यूब की या वेडिंग की या अनटाइटल्ड की। तो मैं इसको यूट्यूब में ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का, इसे फ़िलहाल डिसेबल रहने देते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा, और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर नाम की एक इवेंट क्रिएट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं फाइल में जाके या तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ या मैं ब्लैंक स्पेस में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना सकता हूँ
या मैं शॉर्टकट कमांड कमांड एन से भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं प्रोजेक्ट को नाम दे सकता हूँ लेक्चर 1। ऐसे मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी अपने इवेंट के अंदर बना सकता हूँ। इन इवेंट वीडियो लेक्चर आप यहाँ से इवेंट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वीडियो लेक्चर ही रहने देता हूँ। ये टाइम कोड है आपका, ये वीडियो फॉर्मेट्स हैं, आप 1080p, 720p, 2K, 4K, 360 डिग्री वीडियो के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, आप वीडियो के फ्रेम रेट्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज आपको स्क्वायर वीडियो बनाना है तो आप फॉर्मेट में कस्टम सेलेक्ट करके रिजोल्यूशन को 1200x1200 भी कर सकते हैं। इससे आपका स्क्वायर वीडियो रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको 1080p HD पे रहने देता हूँ और फ्रेम रेट्स मैं इसको 25 फ्रेम रेट्स पे करता हूँ। रेंडरिंग बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल ProRes 422 है, आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। ऑडियो में आप सराउंड या स्टीरियो यूज़ कर सकते हैं, सैम्पल रेट्स आप चेंज कर सकते हैं और इसे ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं लेक्चर 1 नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब सपोज मुझे अपने वेडिंग के वीडियो के लिए इवेंट क्रिएट करना है तो मैं सेम स्टेप यूज़ करूँगा। मैं वेडिंग में जाके राइट क्लिक करके न्यू इवेंट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा होगा हमने इसे अनचेक किया था। अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इवेंट का नाम चेंज करके इसे करता हूँ वेडिंग एडिटिंग, लाइब्रेरी वेडिंग ही रहेगी। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को चेक कर दिया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। जब हम वेडिंग लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम देखेंगे एक प्रोजेक्ट अनटाइटल नाम से ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अगर आपको इसको रीनेम करना है तो ये बहुत सिंपल है, आप इस पे जाइए और इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको आप रीनेम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो चुका है। तो 3 मेजर स्टेप हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी क्रिएट करनी होगी, दूसरा आपको इवेंट क्रिएट करना है और तीसरा आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। कुछ आद पॉइंट्स हैं जिन्हें ज़रूर याद रखिएगा। आप मल्टीपल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर आप मल्टीपल इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, दो इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और हर एक इवेंट में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लाइब्रेरी क्लोज करनी है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लाइब्रेरी में जाइए, राइट क्लिक करिए और क्लोज लाइब्रेरी कर दीजिए, तो जो आपकी लाइब्रेरी होगी वो क्लोज हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।